और अगली खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से है, जहां पर कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। उनका चुनावी कार्यक्रम का है कल आयोजन। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है, जहां पर कल शुक्रवार को दोपहर में पहुंचेंगे इकौना के जगजीत इंटर कॉलेज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। युवा सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर लोगों को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री उत्तराखंड के दौरे को लेकर तैयारियां जारी, लगातार यहां पर तेजी से तैयारियां की जा रही हैं। कल श्रावस्ती के इकौना में उनका कार्यक्रम है, चुनावी कार्यक्रम, जहां पर बीजेपी साकेत मिश्रा के समर्थन में वो चुनावी जनसभा भी करेंगे और भाजपा के कार्यों को गिनाएंगे। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में स्थित इकौना के जगजीत इंटर कॉलेज परिसर में कल उनका आगमन होगा, जिसको लेकर सभी तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। यहां पर भाजपा के कार्यकर्ता, जिम्मेदार सभी तैयारियों को चुस्त दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। वहीं विद्युत विभाग व अन्य विभागों की टीम भी मौके पर तमाम व्यवस्थाओं को सुचारने में लगी है। यहीं पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, जिसको लेकर विद्युत विभाग इस बार भी 33 KVA की सप्लाई को काटेगा और सुरक्षित उनकी लैंडिंग होगी। यहां पर जेई के अलावा विद्युत विभाग के अन्य कर्मचारियों ने भी मौके पर पहुंचकर यहां का निरीक्षण किया, जायजा लिया। सभी तैयारियां तेजी से जारी हैं। कल यहां पर वो पहुंचेंगे और युवा कार्यक्रम का संबोधन करेंगे। श्रावस्ती के इकौना के जगजीत इंटर कॉलेज में यह कार्यक्रम होगा, जहां पर कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। जगजीत इंटर कॉलेज में दोपहर में उनका कार्यक्रम है, भारी संख्या में यहां पर लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसको लेकर युवा मोर्चा के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदि लोगों ने पहुंचकर यहां का निरीक्षण किया। सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने में सभी लोग लगे हुए हैं। श्रावस्ती जनपद के इकौना जगजीत इंटर कॉलेज की तस्वीरें हैं, जहां पर सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है और जिम्मेदार यहां पर पहुंचकर हो रही तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। कल दोपहर में विशाल कार्यक्रम का यहां पर आयोजन होना है, जिसमें हजारों लोग सम्मिलित होंगे। युवा मोर्चे का संवाद कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा, और वो युवाओं के मध्य संवाद करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा युवाओं के कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही उनके बारे में जानकारी देंगे युवाओं को, और साथ ही लोकसभा में विजय करने के लिए वो यहाँ से हुंकार भी भरेंगे। उसी की तैयारी के लिए हम लोग आज सब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, और हमारी जैसा कि हमारा लक्ष्य है कि हम कम से कम जनपद से 10,000 की संख्या माननीय मुख्यमंत्री जी के इस सम्मेलन में एकत्र करें, उसी सब की तैयारी की आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, उसी सब की व्यवस्था में हम लोग लगे हुए हैं। 58 लोकसभा श्रावस्ती जी, प्रत्याशी श्री साकेत मिश्रा जी के समर्थन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी आ रहे हैं, क्योंकि युवा हैं, हम सभी युवाओं का मनोबल बढ़ाएंगे और उनका स्वागत है। कब आ रहे हैं, कितने लोग की संख्या होगी, यहाँ पर क्या तैयारियाँ की जा रही हैं? कल आएंगे, कल 1:30-2 बजे करीब में आएंगे, और संख्या लगभग 6-7 हज़ार की संख्या होगी।